नमस्कार, हम आज दिन क्राइम फाइल के एक और एपिसोड के साथ, जिसमें शामिल है खबरें देश के अलग अलग राज्यों में घटने वाली आपराधिक वारदातों की। कार्यक्रम बनाते वक्त इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि खबरों से किसी तरह की सनसनी पैदा न की जाए, बल्कि उन्हें सहज और सरल तरीके से आपके सामने रखा जाए। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पिछले हफ्ते की कुछ खास आपराधिक खबरों के साथ। कोलकाता में इन दिनों सफेदपोश अपराधों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। यहां के विधाननगर थाने की सॉल्ट लेक इलाके से पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। इन पर इल्जाम है कि इन लोगों ने इंडियन ओवरसीज बैंक की लबोनी ब्रांच से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 15 लाख रुपए का लोन लिया था। पुलिस का अनुमान है कि इस तरह से इन लोगों ने दूसरे बैंकों से भी शायद लोन लिया होगा। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है। अपराधों के लिए चर्चा में रहने वाला पटना शहर इस हफ्ते भी खबरों में बना रहा। पटना के अनिसाबाद इलाके में जमीन ब्रोकर अशोक सिंह के दिन निकलते ही मोटरसाइकिल पर सवार 7-8 लोगों ने सिर पर गोली मारकर हत्या कर दी। उस समय वो पटना से अपने घर बेतौड़ा जा रहे थे। हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन पुलिस को शक है कि उनकी हत्या जमीनी विवाद को लेकर हुई है। बहरहाल पुलिस इस केस के बारे में छानबीन कर रही है। मेरठ के थाना परीक्षितगढ़ के गांव सिखेड़ा में रहने वाली गीता की रात को सोते समय दो युवकों ने तेजाब डालकर हत्या कर दी। गांव वालों के बढ़ते दबाव और गांव में बढ़ते तनाव को देख पुलिस ने इस घटना की रिपोर्ट दर्ज करके दोनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, जहां पर दोनों ने गीता पर तेजाब डालने की बात मान ली है। SP देहात MP सिंह ने इस मामले की पुष्टि की है और इस हत्या के पीछे के कारणों की तफ्तीश शुरू कर दी है। जायदाद के लालच और नाजायज संबंधों को छुपाने के लिए इंसान कितना क्रूर हो सकता है कि सारे रिश्ते नातों को ताक पे रख देता है। इसका ताजा उदाहरण है पंजाब के जिला संगरूर के एक गांव का, जहां पर बिंदर सिंह नाम के एक व्यक्ति ने अपनी साली परमजीत कौर के साथ नाजायज संबंधों से पैदा हुए मात्र 8 घंटे के बच्चे